मोहम्मद अमीन पाकिस्तान साइंस क्लब की तरफों हाजिर है। एक मैं इस वक्त खड़ा वहाँ फतेह गुजरां पिंड है उत्थे तो तुम्हें मैं एक बायोगैस प्लांट के बारे दसना कि जी हर पिंड के अंदर गौरमेंट को इतनी साड़ी वसाइल नहीं है कि जी हर पिंड के अंदर एक गौरमेंट अपनी गैस की सप्लाई दे सके। मैं सब तो पहला इसलिए जल्द जी जगह पर खड़ा वहाँ एक गोबर का प्लांट है जिते मैं खड़ा वहाँ ठीक है। मैं तुम्हें दिखाना यहाँ तरीकेकार की है, यहाँ बनाने का तरीकेकार की है, यहाँ चलाने का तरीकेकार की और ये फायदे की हैं ठीक है दोस्तों। सब तो पहला जी जगह पर मैं खड़ा वहाँ जिन्होंने कहते हैं पंजाबी दे विच किराया दाखली टैंक है। ये दाखली टैंक है इसके अंदर असी गोबर डाल रहे हैं यानी कि अगर ये अंदर असी ये छोटा प्लांट है ये अंदर असी 40 के जी गोबर डालेंगे तो 40 लीटर ही पानी डालेंगे यानी कि हाफ हाफ ठीक है। आम जबान कह लो कि 40 किलो गोबर है तो 40 किलो पानी है ठीक है। इस तुम बाद जगह है इस तुम बाद अगर यहाँ मेन होल है यह जी दाखली टैंक ये अंदर दो पाइप लगे है वो पाइप जोड़े आ सीधे मेन होल के अंदर आते हैं ठीक है। यहाँ मेन होल है ये अंदर वो प्रोसैस हो के ये अंदर चला जाता है ठीक है। इस तुम बाद ओवरफ्लो है तीसरा पार्ट यदा ओवरफ्लो है पहला पार्ट का दाखली टैंक है दूसरा पार्ट यदा मेन होल है तीसरा पार्ट यदा जो ओवरफ्लो है ठीक है। इस तुम बाद यदा चौथा पार्ट है चौथा पार्ट यदा यह जो पाइप है ये गैस जाके अगे सप्लाई है सप्लाई के बाद यह एक ऐसा पार्ट है कि जिसे अंदर तुसी पानी गैस चलती है जदों तो पानी जमा हो जाता है ठीक है। वह कि यानी कि प्रेशर मतलब है कि जो ये अंदर पानी जमा हो जाता नाल है जो गैस जाती है अगे ये ओवरफ्लो यदि कहते हैं ठीक है। यह चेक करने का एक तरीका है। उस तो बाद ये वास्ते कि ये फायदे की ने सब तो पहले कि असी घर बालक पालने तो आम साढ़े घर औरतां गोया इस्तेमाल कर दिया ने उन्हों पहला तैयार कर दिया ने दीवारां ते फिर उस तो बाद लैके जाते हैं चुल्हे के उस मसले का हल है ठीक है। एक तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलदियां ने एक धुआं बहुत ज़्यादा पैंदा है एक यानी कि अखां जिहड़ियां ने और बहुत ज़्यादा बीमारियां लगदियां ने आम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता ठीक है। वह हल है कि बड़ा आसान जहा कि तुम अपने जानवर तो गोबर लवो फिर फोर दो दाबड़े या दो की कहते हैं कि 20 किलो ये छोड़ दिए ठीक है। उस तो बाद अंदर उन्ना ही पानी डाल दियो जितना तुम कि गोबर डाल दो उन्ना ही पानी डाल दियो ठीक है। इसके अंदर एक चरखड़ी होंगी है वो चरखड़ी हल करती है वो दोनों मिक्स करके ये अंदर चला जाता है ठीक है। इस तो बाद अपना प्रोसैस करता है प्रोसैस करने बाद ठीक तकरीबन जो गोबर जो अंदर पहला डालना है वो ये अंदर 2300 किलो गोबर डालना है। अगर वड्डा बनाना 10x10 का तो वो अंदर तुम 3000 के जी डालना है ठीक है। इन्हों का फर्क पैंता जाएगा ठीक है लेकिन वो मुकम्मल तुम्हें डिटेल मिल जाएगी पाकिस्तान साइंस क्लब की वैबसाइट ठीक है। ये मुकम्मल बनाने का तरीका कर लेकिन ये पार्टा की तरफ अभी थोड़ा जहा तवजो करवाना चाहते कि ये पार्ट की ने पहला पार्ट यदा दाखली टैंक है दूसरा पार्ट यदा मेन होल है तीसरा पार्ट यदा यानी कि अखराज हाँ जी यानी कि इन्हू कहते हैं कि अखराज की जी यदि होती है टैंक ही अखराज है ठीक है। उस तो बाद तीसरा या चौथा किरदार कि गैस कदों बनती है गैस बन के ये जमा हो जाती है इनू गुलाई के थलू बनाने उत्ते गुंबद बनता है ठीक है। गुंबद के गैस जमा हो जाती है प्रेशर पैंता है ये अंदर आंदा है ये जो दाखली ओवरफ्लो ये अंदर चली जाती है जी गैस ये अंदर जमा हो जाती है जो मेन ठीक है। इस बाद मैं तुम्हें अगे लैके चलना एक घर की तरफ कि जिस घर के काम कर रहे हैं एक छोटा जहा घर है जिसे तुम मैं लैके जा रहा हाँ जी जनाब घर के असं दाखिल हो गए वो पाइप जरा बहरों दसिया घर के आ गया ठीक है। ऐसा वाल भी लाया देना एमरजेंसी वाल इन कहते हैं कि बंद कर देना जो कोई मसला मसाइल हो ठीक है। इस तो बाद पाइप जा रहे हैं इन्हें किचन के इतने आन के इन्होंने दूसरी फिटिंग बंद कर दी है यदा वाल जो जा रहा किचन के ठीक है। हूँ असं किचन के जाने इन्होंने जिन्होंने पंजाबी कहते चलानी इतने जी साड़ी एक चाची होरी काम कर रहे हैं असं इन्होंने कोल आ गए हैं एग्री पिंडा का जो किचन होंगे ना इन्हें चलानी कहें अपनी जबान यह वेखो जी
ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਪੈਪ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੇ। ਹੋ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ, ਗੈਸ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤਲੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਬਾਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।